आर सोनी न्यूज खबर आप, आर सोनी न्यूज खबर आप। यह चुनाव जीतने का मिठाई नहीं है, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से आए फैसले की मिठाई है। यह पिंकी कुमारी बीते निगम चुनाव में बीजेपी ने इन्हें लाडो सराय से टिकट दिया था। लाडो सराय वार्ड महिला पिछड़ी जाति के लिए रिजर्व था, लेकिन चुनाव आयोग में एक शिकायत के बाद पिंकी कुमारी का नॉमिनेशन चुनाव से ठीक पहले रद्द कर दिया गया। पिंकी कुमारी ने नॉमिनेशन रद्द होने के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख अपनाया। कई महीनों तक कोर्ट में प्रोसीडिंग के बाद आखिरकार 16 जनवरी को कोर्ट ने जमानत की पिंकी कुमारी का जो नॉमिनेशन रद्द का फैसला था वह गलत था, लिहाजा इन्हें चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाती है। और इस पूरे मामले में एडवोकेट रमेश कुमार पिंकी कुमारी के लिए अपना पक्ष रखा था। सर, पहले हम हाई कोर्ट गए थे जैसे इमीडिएट रिलीफ के लिए, तो वो हमें नहीं मिल पाए क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। बीच में संडे पड़ गया था हमारा, तो वो फाइनल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट आउट हो चुकी थी, तो इसी वजह से उस वक्त मुझे रिलीफ नहीं मिल पाया। तो इसी चीज़ को मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी, और उसके बाद वहाँ से मुझे न्याय की पूरी उम्मीद थी और न्याय मुझे मिला भी। सर, 2 साल मैंने इस चीज़ को फेस किया है, 2 साल स्ट्रगल रहा मेरा, और उसके बीच में काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस आया मेरा, न्यायपालिका पूरा विश्वास था मुझे। अब आप क्या चाहती हैं चुनाव के मद्देनज़र, क्या चाहती हैं दोबारा चुनाव हो अब आपके जहाँ पर? बिल्कुल सर, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, जो क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सिस्टम की गलती थी। हर बार ऐसा ही होता आया है कि सिस्टम गलतियां करता है और आम आदमी भुगतता है, तो इसमें मेरी गलती नहीं थी कि आपके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, दिल्ली सरकार के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको आधी अधूरी जानकारी होती है, तो उनको नहीं ऐसी उस पर बैठने का कोई हक नहीं है। कंप्लेंट उसका ये था कि उसका जो नॉमिनेशन पेपर था काउंसलर के लिए लाडोसराय वार्ड से, वो रिजेक्ट किया गया था। प्रोजेक्ट इस ग्राउंड पे किया गया उन्होंने कि भी इसका जो कास्ट है शेड्यूल कास्ट, वो जो दिल्ली में शेड्यूल कास्ट नहीं है लिस्ट में इनके, में इस ग्राउंड पे इसको रिजेक्ट किया गया। आपने किस तरह से इसको फाइट किया और क्या क्या एविडेंस लेकर आए? मैंने इसके लिए किस फाइट किया कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक कमेटी बनी थी, चंद्रन सिंह कंडेरा कमेटी, 2005 में चंद्रन सिंह कंडेरा जी विधायक थे नरेला से, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो उन्होंने इस इशू को रेज किया कि भाई जो शेड्यूल कास्ट माइग्रेटेड शेड्यूल कास्ट जो दिल्ली में आ रहे हैं वो लोग बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं, उन लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिलती यहाँ पे एज ए रिजर्व, उन्होंने इशू को रेज किया। तो उन्होंने कमेटी ने डिसाइड किया कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं दिल्ली में रह रहे हैं 5 साल से, या दिल्ली में पढ़ रहे हैं, या दिल्ली में जिनका बर्थ हुआ है या सर्विस कर रहे हैं, तो उन लोगों को सबको वो सारी सुविधाएँ दी जाएगी। उस कमेटी की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी करी, मंजूर करके उन्होंने डायरेक्शंस अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे सारे, जो लीगल डिपार्टमेंट है इनका और सर्विस बोर्ड जो है दिल्ली का, उन सबको डायरेक्शन दी, और अपने जितने भी इनके कमिश्नर्स हैं SDMs हैं उन सबको डायरेक्शन दी कि इनके अब कास्ट सर्टिफिकेट भी एज एन ओरिजिनल दिल्ली का इशू करे जाएँ, और दे आर एंटाइटल फॉर ईच एंड एवरी बेनिफिट एज ए शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट एज दे आर गेटिंग इन देयर ओन स्टेट। उसके बाद जो कोर्ट का फैसला आया है, जी तो कोर्ट का क्या फैसला आया? कोर्ट का फैसला ये आया कि उससे पहले एक जजमेंट है 2005 का एस पुष्पा करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उस डिसीजन में भी ये डिसाइड किया कोर्ट ने कि जो भी माइग्रेटेड शेड्यूल कास्ट हैं और जो यूनियन टेरेटरी में आएंगे दे विल बी बेनिफिटेड फॉर ऑल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। उसके बाद एक जजमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट का फुल बेंच का दीपक कुमार वर्सेज सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसने भी दिल्ली हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने इस चीज़ को पुष्पा को जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट को मानते हुए ये डिसाइड किया, और ये उनके फेवर में डिसीजन दिया कि भाई जो माइग्रेटेड SC ST के कैंडिडेट हैं उन लोगों को यूनियन टेरेटरी में सारे के सारे बेनिफिट दिए जाए एंड दे विल बी ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ दैट स्टेट। जो पिंकी कुमारी की नॉमिनेशन रद्द होने के बाद लाडो सराय से आम आदमी पार्टी के सदस्य कृष्णावती जीत कर आई थी। कोर्ट के आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि इस फैसले के बाद कृष्णावती के पार्षद की सदस्यता रद्द होती है और इलेक्शन कमीशन को लाडो सराय में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट ले जाने की तैयारी में है और अपने पार्षद के साथ नाइंसाफी को लेकर स्थानीय विधायक सामने आए हैं और पूरे मामले को हाई कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नरेश यादव, MLA महरौली। अभी हमारी काउंसलर किशनवती, जो लाडोसराय वार्ड से काउंसलर है, उनके इलेक्शन से रिलेटेड साकेत कोर्ट से एक डिसीजन आया है, जिसके लिए हम अभी कानूनी राय ले रहे हैं और हाई कोर्ट में उसके लिए हम अपील करने जा रहे हैं। उसके इलेक्शन से रिलेटेड किसी तरह का कास्ट का एफिडेविट का या किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई उसके इलेक्शन में कमी नहीं थी, उसके साथ बेइंसाफी हुई है और न्याय के लिए हम हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। धन्यवाद। साकेत कोर्ट के इस फैसले से यह साफ है कि इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन की भारी छूट है, जिसका हर्जाना जीतने वाला पार्षद से लेकर चुनाव न लड़ने वाला प्रत्याशी है और कोर्ट के इस लड़ाई में लाडोसराय इलाके के लोग पिछने वाले हैं। दिल्ली से हरिकिशोर शाह की खास रिपोर्ट।